नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज है 4 मई और नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। ऐसे में इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा के GGIC, आप देख सकते हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बाहर, और लगातार लोगों का मतदान के लिए आना जारी है। महिलाएं हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सभी लोग इस नारे का ख्याल करके कि बाद में जलपान पहले मतदान को फॉलो कर रहे हैं और वोट डालने आ रहे हैं। हमने DIG से भी बात की है, कमिश्नर से भी बात की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। उनके द्वारा ये बताया गया किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लगातार प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा से लक्ष्मी राय चंदानी, वो लगातार हर बूथ पर जाकर जायज़ा ले रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, उस्मा राशिद, वो लगातार तमाम बूथों पर जा रही हैं और अपडेट ले रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस हो, बसपा हो या निर्दल प्रत्याशी हो, तमाम लोगों का आना जाना लगा हुआ है उनके। ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम राय लेंगे और जानेंगे कि उन्होंने वोट किया या नहीं किया, और किया है तो क्यों किया है। भाई साहब क्या है, आप एजेंट हैं, आपसे नहीं पूछेंगे। साई रेडियर, हाँ आप बताइए जी, बोलिए। वोट कर लिया आपने? नहीं नहीं, वोट तो मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं जो है अमेरिकन सिटीज़न हूँ तो वोट कर नहीं सकता था, लेकिन बस देखना चाहता था कि वो शहर जो लास्ट नंबर से पहले नंबर पर आ गया वहाँ कैसे इलेक्शन होता है और क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या स्पेशल आप अमेरिका से यही देखने के लिए गोंडा हैं? मतलब दिल जो है वो हिंदुस्तानी है तो, और इस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ तो बिल्कुल इसलिए आया हूँ, और भी कुछ फैमिली ज़रूरत थी इसलिए आया हूँ। ठीक है, हाँ। तो क्या लगा अभी तक का काम को देखकर, और जो काम के बाद अब जब मतदान हो रहा है, वोटिंग डे है आज, क्या लग रहा है किसके लोग सपोर्ट में जा रहा है? अब जो जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है तो वो तो यही दिख रहा है कि उज़्मा राशिद की जीत होगी, बाकी तो 13 तारीख को पता चलेगा। बाकी 13 तारीख को पता लगेगा। 10 सीटें हैं, क्या उज़्मा राशिद के सपोर्टर हैं या समाजवादी के सपोर्टर? मैं तो बिल्कुल उज़्मा राशिद का सपोर्टर हूं, लेकिन बस सपोर्ट तक ही कर सकता हूं। चलिए 10 सीट की बात करते हैं, 10 सीट है गोंडा में। समाजवादी और भाजपा की राय ले लेते हैं, आप अमेरिका रहते हैं, इसमें बात करते हैं क्योंकि माहौल आपको पता लगता होगा वहाँ पर। 10 सीटों में भाजपा कितनी जीतने वाली है और सपा कितनी जीतने वाली है? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है इसका। अच्छा, साफ कह दिया आपने। ऐसे में और भी लोगों से जान लेते हैं जो मतदान करने आए थे। वोट कर लिया आपने? हाँ हाँ कर लिया मैंने। दिखाइए उंगली, दिखाइए। हम ये तो नहीं पूछेंगे किसको वोट किया आपने, लेकिन जब वोट किया है क्या सोच कर किया? मैंने जो 2 साल में यहाँ पे विकास हुआ है, 3 साल तो कोविड में निकला जो भी है, तो उसको देखते हुए किया है, क्योंकि हमें अपने गोंडा को और ज़्यादा स्वच्छ सुंदर सब बनाना है, इसलिए मैंने उसी को विकास को देखते हुए किया है वोट। और मैं खुल्ला बोलूँगा, मैंने उज़्मा राशिद को वोट किया। अच्छा, उज़्मा को कर दिया आपने, बोल दिया है? मैंने सीधा बोला। तो क्या उनका जो काम था वो पसंद था आपको? पसंद क्या, पूरा गोंडा देख लीजिए, आपके सामने है जो भी है, और अभी 5 साल आप मिलने दीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा कि गोंडा कहाँ पर होगा। ऐसे में जो अपोनेंट ये दावा कर रहा है कि हम जीत रहे हैं, वो चाहे निर्दल हो या सत्ताधारी पार्टी BJP, वो 5 बजे के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। चलिए, बहुत स्ट्रेट आंसर दे रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? हाँ, वोट कर दिया मैंने। मैं दिल्ली में रहता हूँ, स्पेशली वोट देने आया था यहाँ गोंडा। कल आया हूँ मैं सिर्फ वोट देने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर मतलब बाहर ही रहता हूँ, जब गोंडा आता हूँ 2-4 महीने बाद तब देखता हूँ और काफ़ी बदला हुआ लगता है। हाँ, कुछ टाइम यहाँ वेस्ट भी हुआ, कोरोना और जो भी मतलब क्राइसिस आए थे, बट 2-3 सालों में जो भी काम हुआ उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है गोंडा में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी पहले कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे वोटिंग को लेकर, पहले तो मैंने वोट कर दिया, और मैं सबसे अपील करूँगा जो घर में है वो प्लीज़ आके वोट दें। और मैंने वोट अपना डेवलपमेंट और गोंडा के विकास को देखते हुए किया है, जो पिछला टेन्योर रहा उसको देखते हुए किया, और वो बहुत तो लाइक जो विकास रहा गोंडा का आप देखिए पूरा बदलाव हो गया है, और आगे जो मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, उज़्मा राशिद कैंडिडेट है हमारे लोगों का, तो मुझे वो बहुत पसंद आया, तो मैं स्पेशली बहुत दूर से आया हूँ वोट देने, 600 किलोमीटर ट्रैवल करके। 10 सीटें हैं गोंडा की, कौन जीतने वाला है 10 में से मैक्सिमम? मुझे 10 सीटों का तो नहीं पता, पर मुझे गोंडा का पता है। गोंडा में तो साइकिल आ रही है, उज़्मा राशिद आ रही है, क्योंकि वो बहुत बेटर कैंडिडेट है दूसरों से, तो मैं सबसे अपील करूँगा आप भी आए वोट दें। साइकिल उज़्मा राशिद, आप बताइए। हाँ, वोट अभी दे के आ रहा हूँ मैं, मेरा वोट उधर बड़गांव में था। ठीक है, और मेरी बस ये अपील है कि इस बार जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा मतदान दें और घर से निकलें
कम से कम 60-65% वोटिंग इस बार होनी चाहिए। अभी बहुत कम हुई है, अगर खासकर गोंडा की बात करें, इससे और सीटों की अगर हम बात करते हैं, वो चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, गोंडा सबसे पीछे है। इंसान 5 साल सिर्फ शिकायत करता है, ये करता है, लेकिन जिस दिन आज मौका मिला है वोट देने का, उस दिन से लोग घर पे बैठे रह जाते हैं, थोड़ा सा धूप या कुछ भी है उसको छोड़ के भूल के आइए वोट दीजिए, आज आपका अधिकार है। अपडेट है लगातार हम आपको देते रह रहे हैं। अगर हम बात करें, जब ये खबर आप देख रहे हैं, जो अपडेट ऑफिशियली आया है वो हम आपको बता दें कि 3 नगरपालिका और 7 नगर पंचायत है गोंडा में। सबसे जो आगे वोटिंग का परसेंटेज रहा है वो तरबगंज का रहा है, करीब 31.5%, और सबसे नीचे जो है वो गोंडा नगर पालिका 18.5%। इसके बीच कोई 23%, कोई 27%, कोई 29% है, सबसे नीचे गोंडा है। लेकिन उम्मीद करते हैं जो बचा हुआ वक्त अभी है करीब 5 घंटे, उसमें ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और जो लोग अपने मत का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो निकल कर आएंगे और अपना सहयोग देंगे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए। इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो लोग अभी भी अपने घरों में हैं और वोट डाले के नहीं निकले हैं वो निकल सके और अपने मत का उपयोग करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।